सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम है भालुकपोंग में, देख सकते हैं लिफ्ट मांगने की तैयारी में है। लिफ्ट मांगने की तैयारी कर रहे हैं अभी। यहाँ पे एक ट्रक आया है वहाँ पे, तो आज हम जा रहे हैं जहाँ भी बोमदिला हो, दिरांग हो, सब क्रॉस करके प्लान कर रहे जाने के। लिफ्ट मिलेगा तो अच्छे से जाने का, ट्रक वाले से मांग के देख लेते हैं। आगे तक कहाँ तक जाएगा? आप कहाँ जाएंगे? हम तो तवांग जा रहे हैं। तवांग नहीं जाएगा। नहीं, आगे कितना तक जाएगा? आगे हम यहाँ सामने रुकेगा, दीरियो हाँ, जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है? यही पे। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। वो तो सामने जा रहा है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, फैक्ट्री है आगे, तो वहाँ तक जाएगा। ठीक है, हमें तो बहुत दूर जाना है। सुबह का पहला टैक्स तो गाड़ी भरा हुआ है। अच्छा है कि यहाँ पे बैठने की जगह है, बैठ के आराम से। देखो हमें वो पहाड़ की तरफ जाना है, ओ दूर दूर है। ठीक है, ठंडा, मतलब अभी यहाँ मौसम है ना, जो ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं, मीडियम साइज है। हो गया, चल लिफ्ट मांगने के बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का नया वीडियो बोमदिला टू तवांग, भालुकपोंग टू तवांग। मिस कर दी, मतलब गलती कर दी। सुबह यहाँ पे ना थोड़ा लिफ्ट लेना मुश्किल है, जैसे अलग ट्रक वगैरह आता है ना, ट्रक वगैरह आने से लिफ्ट लेना आसान रहता है। अगर ट्रक नहीं आता लिफ्ट लेना मुश्किल रहता है, मतलब ट्रक वाले अकेले हो जाते हैं कभी कभी, तो वो लिफ्ट दे देता है। यहाँ पर जो बीआरओ का जो वर्कर्स का गाड़ी होता है, अगर वो मिल जाता तो वो भी उठा के लेके जाता, लेकिन वो नहीं मिलता। वो भी अंदर मिलेगा, वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो क्या ही कर सकते हैं, ये तो स्कूल पास है, क्या ही लिफ्ट मांगूंगा इससे। ये भी प्राइवेट कार है, ये भी नहीं देगा लिफ्ट मांगने से भी। और एक एक ट्रक आ जाए बस। जो मुझे लिफ्ट दे दे, मैं धन्य हो जाऊंगा। कल विश्वकर्मा पूजा था, कल हमें मुश्किल से मुश्किल लिफ्ट मिला था। कभी कभी और तो पैसा देना भी पड़ रहा था मुझे, क्योंकि सब अपने गाड़ी वाड़ी सब का पूजा कर रहा था, उसकी वजह से फ्री लिफ्ट भी नहीं दे रहा और गाड़ी में भी बैठने को नहीं दे रहा। ठीक है, तो आज तो मेरे हिसाब से सही चल जाएगा, बोमदिला दिरांग तक चल जाएगा। ये बाइक वाला तो दूर नहीं जाएगा। ये मोस्तान चंद्रकोला गाड़ी में बैठ के जाएगा ना तो पैसा खत्म हो जाएगा। ये गाड़ी बहुत महंगा है, अराउंड 800-1400 ऐसा लेता है ये लोग यहाँ से बोमदिला। ठीक है, ये भी नहीं,
ट्रक आने दो एक बार भाई, ट्रक ट्रक। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में जब हम गाड़ी में एंटर करेंगे तब, अभी तो लिफ्ट लेना थोड़ा मुश्किल है। आधा घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है। प्राइवेट कार या कुछ पब्लिक कार या टूरिंग कार ऐसे ही जाता है इधर से, ठीक है। तो कभी अभी किस्मत अच्छा होने से प्राइवेट कार वगैरह मिल जाएगा, मतलब हम तो वेट कर रहे हैं ट्रक वाले का। ट्रक वाले के साथ मज़ा आता है, नॉर्मल लोगों के साथ मज़ा नहीं आता। जितने जैसा जे ऐसे नॉर्मल गाड़ी ड्राइवर के साथ मज़ा नहीं आता, जैसे ट्रक ड्राइवर के साथ तो बहुत मज़ा आता है। डायलॉग मारता है, जोक्स करता है, ठीक है। आधा घंटा हो गया, अगर नहीं हुआ तो हम पैदल ही जाएंगे आगे तक, फिर वहाँ से लिफ्ट मांगना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा देर ट्राई करते हैं यहाँ से। हाय हाय क्या किस्मत है। ये भी हार ही दिखा रहा है, नहीं है बोल के। ये तो पूरा भरा हुआ है, हारेंगे नहीं करेंगे भाई। मेरे पास पैसा होने से ना मैं जीप में बैठ के चला जाता, नहीं है वो भी। चलो रुको, लास्ट ऑप्शन है मेरे पास कार के सामने खड़ा होने का। आयु दे थक गया दे। तो आज का दिन का 8:15 हो गया, तो अंकल जी अभी रुका है, वो तो सामने है, वहाँ तक जा रहा है। तो वो बोला आगे जाओ, वहाँ पे पर्ची वगैरह काटते हैं, वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगा, हर चीज़ का गाड़ी, मतलब कि वहाँ पे रुक के पर्ची कटवाता है वो लोग। फिर भी हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि वहाँ पे जाना मतलब कि ऐसे ऐसे लिख मांगना उतना अच्छा नहीं है ना, मेरे लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता नहीं। हम यहाँ से ही करेंगे, यहाँ पे ही करेंगे हिचहाइक। एक गाड़ी आ रहा है, ये है अभी ट्रैवलर का है, लेकिन हम ये सब गाड़ी में ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि पैसा ज़बरदस्ती ले लेता है ये लोग, और हमें ज़बरदस्ती देना भी पड़ता है पैसा, ठीक है, इसकी वजह से। फिलहाल एक दो गाड़ी रुका था, वो लोग बोला आगे तक ही, हालत ख़राब हो गया, लेकिन मौसम चिल है उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्स है। अगर आसाम में होता ना तो बहुत गर्मी लग जाता। हाँ गर्मी वर्मी थोड़ा है, ठीक है।
में शीशा में जहाँ हम लोग पहले रुके थे, वो देखो वो मंदिर है ना वो ऊपर में, पहले वहाँ रुके थे, एक दोस्त मिला था हमें, महावीर सिंह जो नाम है उसका। अब यहाँ पे थोड़ा ड्राइवर साहब भी रुके हैं तो खाना खाने के लिए हम भी रुक रहे, खाना खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाएं, बस लिफ्ट मांगने की कोशिश में पूरा टाइम निकल गया। मैं भी पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं किया, तो अभी और ऐसे करके जाना है हमें, और दूर जाना है। फिलहाल कुछ खा के मिलते हैं, ठीक है। तो अभी शीशा से निकल रहा है यहाँ से, वही बना रहा था, यहाँ से निकलने के बाद अभी पता नहीं कहाँ कहाँ बचे। आज अभी सुबह का बच गया है, 9:10 हो गया आज। रास्ता बहुत खराब है, गाना सुन रहा है। यहाँ आपको हर जगह आर्मी ही मिलेगा, उससे ज्यादा लोग कम मिलेगा, और नेपाली ज्यादा है यहाँ पे, आर्मी वाले और नेपाली ज्यादा जाना मिलेंगे यहाँ पे, बीआरओ वाले काम करने वाले, और सॉरी म्यूजिक की वजह से। थोड़ी देर में बोमडिला पहुँचने वाले, उसके बाद बोमडिला से हमें तवांग के लिए फिर लेना पड़ेगा। हम तवांग तो नहीं पहुँचेंगे आज, लेकिन आधा रास्ते रुक जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा पैदल चल रहा हूँ। ठंडा बहुत है यार, सिर में थोड़ा दर्द हो गया क्योंकि सुबह खाना नहीं खाया था ना, उसकी वजह से। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है पर ठंडा है भाई। बोमदिला इधर साइड में ना ये दिक्कत होता है कि नॉर्मल गाड़ी नहीं आता, टैक्सी आता है, टूरिस्ट कार आता है, ये सब आता है, उसकी वजह से लिफ्ट मांगना मुश्किल होता है। ट्रक वाले आने से ट्रक वाले तो लिफ्ट दे देता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर कभी नहीं जाते, जब दूर जाते हैं तो उसके साथ आदमी हो जाता है तो लिफ्ट का मुश्किल होता है। अरे बाबा, ताकि तो हम यही ज़्यादातर दूर नहीं जाएंगे, यही आसपास रुकेंगे, क्योंकि जो भैया ड्रॉप किया है वो तो बोला अगर लिफ्ट नहीं मिला तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपको लिफ्ट दे देंगे बोल के, मतलब यहाँ पे ट्राई करना, अगर नहीं मिला तो मैं आ जाऊँगा ऐसे बोला। वो देखो ऊपर में सब्जी वगैरह लगा, पूरा सब्जी लगाया हुआ है वहाँ पे। हमको क्या हुआ, मैं पागल क्या मैं, आहा आहा हा, मजा आ रहा है। और 100 है, 120 किलोमीटर रह गया है, आई मीन नॉट 120, 140 किलो, 140 नहीं 200 किलोमीटर रह गया। हाय 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 हाय, जल्दी पहुंचने वाले। वो पीछे देख सकते हैं, वो रहा बोमडिला का टाउन, पूरा दिखाई नहीं देगा। अभी दवाई खाया, जस्ट सिर दर्द का दवाई, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और बारिश आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर में सकते हैं बारिश की थोड़ी थोड़ी झलक है, थोड़ा थोड़ा बूंदे बारिश का पड़ रहा है। एक गाड़ी का आवाज आ रहा है लेकिन लिफ्ट नहीं देगा मेरे हिसाब से। ओह ये व्हाट अ सरप्राइजिंग। ये टूरिस्ट का गाइड है, वो टैक्सी है, टूरिस्ट कार है, तो इनसे लिफ्ट लेना तो बेकार है, ये तो बिना पैसा लेके नहीं जाते। अगर आप बिना पैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसे नॉर्मल गाड़ी, कुछ और गाड़ी थी, लेकिन ऐसा वाला गाड़ी को कभी चूज मत करना, बहुत दिक्कत में हो जाएगा भाई। वाह, यहाँ से नज़ारा बढ़िया है, वाओ देखो क्या बात है। लेकिन ये नज़ारे ज़्यादा नहीं है, इससे भी अच्छा आने वाला है आगे का। तो यहाँ से अभी ऊपर साइड जाना पड़ेगा, और अब लोग को याद होगा हम लोग इसी रास्ते से गए थे साइकिल लेके पिछले बार, जरा सिलापास ट्रिप में बहुत बहुत खतरनाक चढ़ाई था ये वाला, ठीक है, फिर भी हमने वो ट्रिप कर दिखाया। इस बार भी फिर जाएंगे, इस बार तावा मोनेस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और जूते जो है ना, जूते मेरा वो है, क्या बोलते हैं, सेगा का वो नॉर्मल जॉगिंग शूज़ है, उसकी वजह से इसमें हवा घुस रहा है, ठीक है, तो अंदर पॉलिथीन ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा पैर में, नहीं तो ठंडे की वजह से ना पैर वो हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। लेकिन उतना ठंडा भी नहीं लग रहा, लेकिन ठंडा हवा आ रहा है क्योंकि ये ऊपर हो गया ना पहाड़ के ऊपर, तो बादल वादल से ठंडा हवा आ जाता है ऐसे करके। पीक ऑफ सिविलाइजेशन, सिंप्लिसिटी इज द पीक ऑफ सिविलाइजेशन, वहाँ पे लिखा हुआ, दिखाई नहीं देगा, कैमरा का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है। हमें कहीं बैठ के मैगी पकाना चाहिए।
मेरे हिसाब से ये जगह सही है। उधर से घर जा रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल इन द कार। वो 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 वारी चंद्रकोला मैन। वो देखो बोमदेला सिटी वो है टाउन। और हम इधर से आए बहुत दूर से। सिर में दर्द हो रहा है। दिरांग में अभी है और नहीं है बात दिरांग में अभी है हम लोग। और यहाँ पे छोटे रोड होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होता है ना, तो उसकी वजह से देख सकते हैं ये ऐसा हो गया है अभी हमें। तो आर्मी वाले तरफ फंस गया है, ये वाला ट्रक को भी ऊपर खींचना पड़ा। तो उधर से बहुत आर्मी ट्रक आ रहा है और लोग जहाँ का लोकल नहीं लगता है वो साइड में पार्क कर दिया था अपना गाड़ी, तो उसके वजह से रोड ब्लॉक हो गया। और लंबा ट्रक भी आया उधर से और आर्मी वाले ट्रक भी आया। वो देखो और आर्मी वाला ट्रक वो है बहुत सारा है, तो वो लोग निकल नहीं पा रहा था। उधर एक कार पार्क था उसकी वजह से। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सिला पास से लगभग लगभग 30 किलोमीटर रह गया, 25 किलोमीटर रह गया। ये जगह का नाम नहीं पता, भैया मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर गया जो हम गाड़ी उठ के आया था। तो यहाँ से हम लिफ्ट मांगेंगे। अभी टाइम बच रहा है लगभग लगभग 2:14, तो सिला पास क्रॉस हो जाएगा। लेकिन ठंडा उधर, तो थोड़ा आगे चल के हम वहाँ पे कैंप कर लेंगे। हाँ खाना नहीं खाया सुबह से, एक चीज़ भी नहीं खाया, बस जूस पिया है। और अभी एक चिप्स लिया है, एक बैग रखा हुआ वो रहा चिप्स, टेस्ट का चिप्स लिया, बस वही खा के थोड़ी देर पेट को शांति देगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके कैंप करने के लिए जगह ढूंढेंगे 3-4 बजे ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं, क्या पता रात ट्रक वगैरह मिल जाए जो डायरेक्ट तवांग जाए। मिलता तो सही होता, नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं अपडेट करते रहूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है। वहाँ पे मुझे फिर वापस वही जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर को नहीं, इधर यहाँ इस जगह से लिफ्ट लेना मुश्किल है। लेकिन ये रुक जाते हैं हम भी, क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा आसान है। लकी हो जाए एक ट्रक वाला आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होने वाला इस बार। अच्छा तो मैंने गलत बोला, यहाँ से तवांग रह गया 125 और सिला पास 45 किलोमीटर। वो देख सकते हैं। हाँ अगर यहाँ से सिला पास भी क्रॉस करने को चांस मिले ना आज, तो बहुत बढ़िया होगा। पूरा बारी बार कम बैक उठा के क्या नज़ारा है। मज़ेदार।
हमें इधर जाना है इस साइड में। सो गाइस आज का दूसरा लिफ्ट हमें फिर मिल गया एक ट्रक वाले, ट्रक भैया भी सारे ये आधे रास्ते तक जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट तवांग के लिए नहीं मिलता यहाँ से। फिलहाल अभी ट्रक के अंदर में तो अभी जहाँ आगे हमें उतारा जाएगा हम वहीं पे कैंप करेंगे क्योंकि आज आगे नहीं भरेंगे, आगे बहुत ठंड होने वाला है उसकी वजह से। आप लोग कहाँ तक जाएगा? मुंडेर। मुंडेर गांव के पूरा इधर है। अच्छा तो ऑलमोस्ट सेलापास क्रॉस कर गए ना, तो सेलापास आज अभी मतलब शाम तक ही क्रॉस हो जाएगा। बढ़िया है यार, ये तो सो रहा है। तो आगे चल के मिलते सेलापास, दिखाएंगे आप सभी को। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा 11,000 हाइट में आ गया और ये तरह था इसका आया हमें लिफ्ट मांग के आया था। और यहाँ से जो नज़ारा है ना थोड़ा ठंडा भी होगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम होगी 11,000 फीट में, देख सकते पूरा नज़ारा आया हमें। और ऊपर जाने ये रास्ता है सब करके और बारिश हो रहा है, अभी रेनिंग सीजन का टाइम है तो इसकी वजह से थोड़ा थक गया, ऑक्सीजन लो है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर आर्मी कैंप है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे इसलिए, ठीक है प्राइवेसी, आर्मी का भी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है आर्मी वगैरह का इसीलिए, ठीक है। मौसम थोड़ा बढ़िया है, पूरा फॉग वॉक हो गया पूरा यागा पे, पूरा फॉग वॉक हो गया भैया नहीं। और ये है भैया जी जो हमें लिफ्ट दिया था, भैया जी एक बार हाय बोल दीजिए। हाय। इसी ने लिफ्ट दिया था, अगर नहीं ये नहीं होता है तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। तो हम यह इस एरिया में ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर्मी का कैम है, आर्मी का प्राइवेसी मैटर करता है। तो अगर सिलापास पे थोड़ा बनाएंगे उसके बाद देखते हैं, अगर आर्मी कैम नहीं है तो वहाँ बनाएंगे, अगर है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। We'll be right back.
तो सही है ऊपर से। बाप रे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इधर साइड में, पूरा फॉग हो गया है, रात हो गया है, अंधेरा हो गया है, थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं हम लोग पूरा फॉग हो गया। ये देख शाम की बज गया 5 बजे और अभी हम सिला पास में सुसु कर रहे हैं। डोंट माइंड गाइस, क्योंकि देख सकते हैं आसपास पूरा जम गया है। आज मौसम थोड़ा बारिश ही है, मतलब थोड़ा रेनी है, इसकी वजह से देख सकते हैं यार हमारा ट्रक वहाँ पे खड़ा है। हम भी सुसु कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ट्रक वहाँ पे पूरा गोरा गोरा हो गया। हमें इधर को जाना है इस साइड में। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी तो ब्लॉक करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बारिश का बूंदे जो फॉग होता है वो गिर रहा है, कैमरा में लग रहा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं अभी ऐसा पूरा हो गया हालत। और अंदर का ड्राइवर साहब चला रहे हैं और हम इधर बैठा हुआ है। थोड़ी देर में मिलते हैं, हम लोग थोड़ा ब्रेक लेने वाले आगे जाके, कब मिलते हैं।